अस्सलाम वालेकुम। चांद मोबाइल शॉप से मैं हूँ इलियास राव। आज हम हार्ड ड्राइव की साटा पोर्ट रिप्लेस करेंगे। ये पोर्ट, इसकी तीन चार पिनें टूट चुकी हुई हैं, तो इसको हम निकाल के इसकी जगह पे नई पोर्ट लगाएंगे। हार्ड ड्राइव को मैंने पहले डिसअसेंबल कर लिया है। ये पोर्ट आप किसी भी डीवीडी रोम से निकाल सकते हैं या किसी ख़राब हार्ड ड्राइव से आप निकाल सकते हैं। जो भी साटा सपोर्टेड डिवाइस हो आपको ये उसमें मिल जाएगी। हमने इसको ऐसे किया है, इस जगह पे सोल्डिंग आयरन रखने के बाद ब्लेड को आहिस्ता से आगे की तरफ धकेल दिया तो ये इससे अलग हो गया। इसी तरह से दूसरी साइड पे जूम में मैं दिखा देता हूँ। ये इसकी दूसरी साइड है। सोल्डिंग आयरन आपका काफ़ी हीट अप होना चाहिए। ठंडे सोल्डिंग आयरन से इस किस्म का काम कभी भी ना करें। जिस वक्त सोल्डर इस पे से पिघल जाए तो आहिस्ता से ब्लेड को इसके नीचे थोड़ा सा लेकिन इस किस्म का काम वो लोग करें जिन्हें सोल्डिंग आयरन पे फुल महारत हो।
मैं यहाँ पे नेल इस्तेमाल करूँगा। साफ़ करने के लिए हमेशा सोल्डरिंग आयरन को तेज़ी के साथ चलाना होता है। अगर आप इसको आहिस्ता आहिस्ता फेरेंगे तो ये साफ़ नहीं होगा। ये मैंने एक डीवीडी रोम के अंदर से निकाले थे। अब डीवीडी रोम से भी आप निकाल सकते हैं और किसी पुरानी हार्ड ड्राइव से भी ये चीज़ आपको मिल जाएगी। चेंज करते वक्त बारीक सोल्डरिंग आयरन यूज़ करना है। अगर आप इस जगह पे हीट गन यूज़ करते हैं तो ये प्लास्टिक वाली साइड है, ये ख़राब हो जाएगी, सारी मेहनत आपकी बेकार हो जाएगी। तो हमेशा इस किस्म के काम करते हुए जिस जगह पे भी प्लास्टिक हो, ऐसा काम सोल्डरिंग आयरन से करना चाहिए। लेकिन एक बार फिर कहूँगा, इस किस्म का काम वो लोग करें जिन्हें सोल्डरिंग आयरन चलाने पे महारत हासिल हो। काम करने के बाद हमेशा बोर्ड पे से जो हम पेस्ट यूज़ करते हैं, ये पेस्ट हमेशा साफ़ कर दिया करें थिनर से या सीटीसी से। अगर इस जगह पे या किसी भी बोर्ड पे आप पेस्ट को इसी छोड़ देते हैं इसी कंडीशन में, जब भी इस जगह पे कोई डस्ट वगैरह आएगा तो ये बोर्ड ख़राब हो जाएगा। तो इसलिए जब भी पेस्ट यूज़ करें किसी भी बोर्ड पर, उसके बाद थिनर के साथ वॉश कर देना चाहिए। सोल्डरिंग आयरन से जब आप इसको टच करेंगे आहिस्ता आहिस्ता एक एक पॉइंट को, तो थिनर जिसके साथ हमने इसको धोया है
वो खुश्क हो जाएगा, उसके बाद इसको आप एडजस्ट कर देंगे। टेस्ट करने के लिए ये साटा यूएसबी अडाप्टर ये यूज़ करेंगे हम इसके साथ। ड्राइव को लगाने से पहले डिवाइस मैनेजर